हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। हमारे शहर में एक नया शॉपिंग मॉल खुला है और ये शॉपिंग मॉल लिटरली इतना बड़ा है भाई। एंड गेस व्हाट, हम वो शॉपिंग मॉल पे हाइड एंड सीक खेलने जा रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, वो कोई और नहीं है, दस सिर वाला आलोक है। भाई ये कितना अजीब सा लग रहा है। अरे यार, मैं अजीब कैसे हूँ, कैसे हूँ? अरे भाई यार, ऐसे अजीब है यार तू। गाइस यार, ये दस सिर वाले अजीब। एक मिनट, वेट, व्हाट? आज यहाँ पे चॉप नहीं है परंतु निर्मा और जादू क्या कर रहे हैं? वेट व्हाट, भाई शिनचैन चॉप कैसे नहीं आया? चॉप मुझे घर पे बोल रहा था कि मैं निर्मा और जादू को अपनी आंखों से नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मैं नहीं आता हूँ। व्हाट भाई, ये क्या बात हुई यार? गाइस मैं ऐसे मस्ती मजाक में बोलता तो रहता हूँ कि चलो चॉप नहीं आया तो बढ़िया है, चॉप को नहीं आना चाहिए, बट आज वो नहीं आया है तो मेरे को एक्चुअली में बहुत दुख हो रहा है। भाई मैं सोच रहा हूँ कि मैं चॉप को मना पता के ले आता हूँ गाइस, वरना चॉप के बिना इन दोनों का क्या काम है यार। चॉप को बुलाना पड़ेगा, एक मिनट कॉल करके देखते हैं, हो सकता है वो लैंडलाइन पे उठा ले। ऑल राइट, उठा लिया। ओए चॉप, आया क्यों नहीं तू? मास्टर, आई एम वेरी सैड। हाँ मेरे को पता है कि तू सैड है, बट क्या दिक्कत क्या है ये तो बता दे। मैं जादू और निर्मा को ना ही देख सकता हूँ। हाँ तो तू आ जाओ, उन दोनों को देखना मत और क्या, आंख बंद कर लेना उनके सामने। लेकिन अगर फिर भी मुझे गलती से दिख गए तो? अरे नहीं दिखेंगे यार चॉप, मैं सच बोल रहा हूँ, नहीं दिखेंगे, चिंता मत कर, ठीक है? ओके, आप मुझे लेने आ जाओ। व्हाट, इसे अब लेने जाना पड़ेगा? चलो ठीक है, इन सबको पहले छुपने बोल देता हूँ। ओ भाई एक काम करो, तुम सारे जाके छुप जाओ, और शॉपिंग मॉल है ठीक है ना, बट चिंता मत करो क्योंकि पूरा शॉपिंग मॉल तुम्हारे भाई ने बुक कर दिया है, ठीक है? तो गाइस ये पूरा शॉपिंग मॉल अपने लिए आज के लिए प्राइवेट हो चुका है, तो कोई भी बाहर का बंदा नहीं होगा, लेकिन ये लोग को भी मैं छुपने बोल देता हूँ। ऑल राइट, मैं दस तक गिर रहा हूँ, तब तक ये दस तीर वाला और तुम बाकी के ना छुप जाना, और मैं चॉप को लेने भी जाने वाला हूँ उसके बाद। ऑल राइट, एक दो दस है, गाइस अभी चॉप को लेने चलते हैं। ऑल राइट, चॉप अभी यहीं पे मिलने वाला है, अपने को ज्यादा देर नहीं लगेगी। और जब आप लोगों को पता चलेगा ना कि चॉप को मैंने किसके साथ छोड़ रखा है, तो आप लोग सोच में पड़ जाओगे। एक मिनट, यही कहीं तो होना चाहिए था चॉप। ऑल रा, ओ शिट गाइस, लगता है यहाँ पे बाइक लाना एक अच्छा डिसीजन नहीं था, लेकिन मेरे को किसी ने रोका नहीं अभी तक। ओके ये रहा। मास्टर। अरे क्या मास्टर भाई? मास्टर चलो। अरे भाई सो क्यों गया? अरे भाई वो कल रात से मुझे नींद नहीं आई थी। व्हाट, क्या अजीब बंदा है गाइस। पर ऑल राइट, चल अपन चलते। मास्टर। ऑल राइट, अब चॉप भी छुप चुका है गाइस, अपन चलते हैं सीधा ऊपर। गाइस मैं खुद भी शॉपिंग मॉल को अभी पहली बार देखने वाला हूँ, लेट्स सी कि कैसा बना है, मतलब अपने यहाँ पे शॉपिंग मॉल है अभी। ओके ऑल राइट, गाइस ये तो लेजिट एक मॉल जैसा है, और इस मॉल पे जिम भी है। वेट व्हाट, अच्छा शायद ये जिम नहीं है, इक्विपमेंट खरीदने की दुकान है क्या, या फिर जिम है, वी डोंट नो गाइस। तो सबसे पहले अपन जिम पे जल्दी देखते हैं, क्योंकि भाई भरोसा नहीं है ना यहाँ पे कोई। अरे भाई ये किस टाइप का लॉक है यार, यहाँ पे जाने का मौका नहीं मिल रहा है। ऑल राइट अपन अंदर आ गए। वेल देखो यहाँ पे तो मेरे को कोई दिखाई नहीं दे रहा है गाइस, मेरे को लगता है कि शायद। ओके यहाँ पे एक डोर है। ऑल राइट गाइस, इस गेट से मेरे को बड़ी उम्मीद है। ओके वेट, यहाँ पर एज सच तो कोई नहीं दिख रहा है। एक वो ओके पेनीवाइज गाइस, पेनीवाइज ने दिमाग आधा ही चलाया अपना, ठीक है। ऑल राइट पेनीवाइज भाई, 3 2 1 लेट्स गो। ओके भाई कार की छत में घुस गया ये। गाइस अपने को अपना पहला शिकार मिल गया जो कि पेनीवाइज है। भाई ये पिछले दो राउंड से बहुत बुरा खेल रहा है, उसके पहले ये इतना क्रेजी खेलता था ना भाई, क्या बताऊं। ऑल राइट भाई कोई आउट करने ना जाए, क्योंकि ये शॉपिंग मॉल काफी बड़ा सा लग रहा है, इधर उधर से कहीं से बंदे आ सकते हैं और इतने सारे डोर है। एक मिनट ये क्या है? ओ भाई एक रेस्टोरेंट है गाइस, यहाँ पे तो काफी सारी। एक मिनट वेट भाई, मेरे को ऐसा भाई ये टूट कैसे रहा है गाइस? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बंदा यहाँ पे बैठ के एक्चुअली में खा रहा था, बट उसने जैसे ही मेरे को देखा वो कहीं पे छुप गया। इसका एक ही और यहाँ पे एक से ज्यादा बंदा है गाइस, यहाँ पे कुछ बंदे छुपे हुए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पक्का मुझे बंदे मिलने वाले। ओ वेट गाइस, मेरा ना शक बहुत बढ़ रहा है गाइस, यहाँ पे किसी ना किसी को मिलना बहुत। ये ओके वेट, यहाँ पे कोई नहीं है भाई, ये कैसे हो सकता है यार? इसका मत, एक मिनट यहाँ पे ऑल राइट, एक मिनट, एक स्टूल है उसके ऊपर एक और स्टूल है, वेरी सस। रुको गाइस कौन है? ओके कोई तो मेरे को दिखा है, रुक जा बेटे रुक जा। गाइस अपन को बिल्कुल केयरफुली जाना है। अरे मैं जा क्यों नहीं पा रहा हूँ? अरे कौन है भाई यहाँ पे, मेरे को दिख नहीं रहा है गाइस यार। ओके गाइस यहाँ पे उसका सर, वो देखो उसका सर दिख रहा है। एक मिनट ऑल राइट, ये कोई और नहीं शिनचैन है, बट इसे आउट करते बन ही नहीं रहा है क्योंकि मैं यहाँ से वहाँ जा नहीं पा रहा। ओए शिनचैन निकल बाहर, आपने मुझे देखा ही नहीं तो कैसे निकलू, निकलना है तो आउट करू। अरे यार गाइस, ओके घुस गया भाई घुस गया। अरे यार आपने तो सीरियस ले लिया।
भाई तेरे हाथ क्यों लंबे हो जाते हैं? आज इन भाई चैन से बर्गर भी नहीं खाने देती हूँ। अच्छा तू ही खा रहा था ठूस ठूस के। गाइस यार ये क्या बंदा है भाई, इतने प्यारे प्यारे बर्गर रखे हुए हैं, बट अभी तो मैं हाइड एंड सीक पे डेन दे रहा हूँ, अगर मैं खाने लगा तो कोई भी आ जाएगा। वेल गाइस अगर आपको भी बर्गर पसंद है तो लाइक करो यार इस वीडियो को, और अगर नहीं है तो भी कर दो यार, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे वो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दो, बस एक सेकंड का काम है, फटाक से दबा दो गाइस, और वो फ्री है। अभी अपन एक काम करते हैं, दूसरे जगह घुसकर एक मिनट। वाओ ये क्या है भाई, इधर पे गेम्स वेम्स रखे हैं। ओके भाई लेकिन अभी अपन इसमें वो नहीं हो सकते ना, पर चल अपन इधर गेम खेल रहे हैं, पीछे से कोई आके आउट कर दिया। वेट इसके अंदर क्या है गाइस? भाई ये तो बढ़िया लग रहा है लेकिन। ओ वेट 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 व्हाट, मास्टर मुझे क्यों तोड़ा? अरे भाई क्यों ना तोड़ू तेरे को, एक बेचारे छोटे से प्यारे से डॉगी का कोई कितना परेशान कर सकता है भाई। अरे मैंने क्या परेशान कर दिया? आपने नहीं, इस परिस्थिति ने मुझे बहुत परेशान किया है। अरे भाई क्या हो गया गाइस, ये ना बड़ी दुविधा में यार, अगर इसका निर्मा वाला मैटर जल्दी से सॉल्व नहीं हो गया ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई चौप, आज मैं तेरे को एक प्रॉमिस कर रहा हूँ कि तेरे और निर्मा के बीच जो लड़ाई है ना उसे मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, ठीक है? अरे वाह मास्टर, आप तो मेरे प्यारे मास्टर हो। हाँ बेटा अभी बोला रहता ना कुछ और तो मारा रहता। ओ भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। ओके गाइस यहाँ पे तो काफी सारी चीजें है भाई, मतलब यहाँ पे कैश काउंटर वाला बंदा भी हमने भगा दिया है। ओके वाओ भाई इधर तो टीवी भी है, मैं तो सोच रहा हूँ प्लेयर वगैरह छोड़ता हूँ टीवी भी देख के साथ घर ले जाता हूँ यार, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा रखे तो अपन कुछ ऐसे बदमाशी ज्यादा नहीं कर सकते, पर आपको तो पता ही यहाँ सब बदमाश लड़के बैठे हुए हैं तो कुछ करके जाएंगे। वेट बट यहाँ कोई दिख कैसे नहीं रहा है मेरे को, आई मीन यहाँ पे लिटरली इतने सारे सीसीटीवी कैमरा पड़े हैं बट मैं एक बंदे को नहीं खोज पा रहा हूँ यार, क्या सीन है? ऑल राइट गाइस इतने पुराने पुराने टीवी कैसी है यहाँ पे? ओ भाई ये टाटा स्काई के रिमोट है क्या भाई? ऐसे ही लग रहे हैं। ऑल राइट गाइस, अरे यार बाप रे बाप, ये इतनी बड़ी टीवी ना होती तो मैं फंस जाता। वो देखो गाइस थोड़ा सा झांकता हूँ, वो देखो बाप है वो आर्यन खड़ा, पता नहीं वो क्या देख रहा है लेकिन अगर वो इस टीवी के पीछे आया तो मेरा भांडा फूट जाएगा यार। गाइस लगता नहीं अब यहाँ पे कोई है, मतलब मैंने पूरी दुकान छान मार ली भाई, एक बंदा नहीं मिला मेरे को। अब मैं फट से यहाँ से निकलता हूँ लेकिन अभी भी गाइस मेरा शक है, तू किसको देख रहा है? मास्टर मुझे लग रहा है कि वहाँ पे जो बड़ी सी टीवी है ना उसके पीछे कोई है, आई मीन उसके पीछे कोई है। देखो ऐसा लग रहा है गाइस चॉप की बातें अक्सर गलती होती है, तो मैं सोच रहा हूँ जाऊं कि नहीं जाऊं कि नहीं। अरे भाई एक बार देखने में क्या जाता है, देख लो। हाँ देख लेते गाइस, ये कौन सी टीवी, इस टीवी की बात कर रहा है ना, इस टीवी के पीछे कोई ना है और ना ही इसके पीछे भी कोई, इसमें आ कौन सकता है यार, क्या बुद्धू डॉगी है। अरे भाई वो लास्ट वाली टीवी है, लास्ट वाली। ओ ऑल राइट गाइस इस लास्ट वाली टीवी पे कोई है क्या? ओके ओके गाइस यहाँ कोई तो होना चाहिए। वेट हाँ ये तो खाली है भाई, क्या बुद्धू बनाता है यार चौप, तेरे से बड़ा बुद्धू कोई नहीं है, ज्यादा करेगा ना तो फिर मैं निर्मा तेरा मिलन ना कराऊं बेटा। अरे मैं तो आपकी सहायता कर रहा था मास्टर, मुझे पक्का यकीन है वहाँ कोई है। हाँ भाई तू अपना यकीन रख, गाइस अपन आगे बढ़ते यार ये बंदा। एक मिनट भाई यहाँ पे व्हाट, ये क्या सिर्फ और सिर्फ फोन की दुकान है क्या, ये आईफोन जैसा कोई स्टोर लग रहा है। अरे बाप रे बाप, बड़े मुश्किल से बचा हूँ मैं, नहीं तो अभी गया रहता। यहाँ से था मैं, यहाँ पे था मैं, यहाँ से वो जैसे यहाँ आया मैं तुरंत यहाँ पे भगा हूँ गाइस। ओ बाप रे वो वहीं पे खड़ा है, मेरे को यहीं पे छुपा रहना चाहिए क्योंकि उसका दोस्त चौप भी यहीं खड़ा है। बाप रे बाप, मुझे पक्का यकीन है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं तो जरूर है, और जो भी है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ओए तो जो भी छुपा है सामने आ मेरे, मेरे मास्टर के सामने मुझे बुद्ध बनाता है, मैं तुझे ना ही छोड़ूंगा। भाई एक मिनट में अभी देख रहा था गाइस यहाँ पे मतलब बहुत पुराने से लेकर बहुत नए सब टाइप के फोन रखे हुए हैं यार, और यहाँ पे ना ये वाला जो फोन है ना ये लिटरली ये सेम टू सेम मेरे पास भी है। ये देखो भाई ये रहा मेरा फोन। हो भाई ये वाला फोन ऑन हो गया, ओके ठीक है भाई, और मैंने ऑफ किया तो ये ऑफ हो गया। व्हाट भाई ये क्या सीन है, अरे जैसे ही मैं ऑन करता हूँ ये दोनों फोन भी ऑन हो जाएंगे ना, देखना ना गाइस ध्यान से देखना। ओके मैंने बंद किया बंद हो गया, मैंने ऑन किया ऑन हो गया। व्हाट वियर्ड है थोड़ा सा, बट जो भी है ठीक है भाई, अपन यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तो कोई नहीं छुप सकता, आई मीन ये जगह ही कहाँ है, बट स्टिल अपने को अपना ध्यान नहीं भटकाना है गाइस। ओके 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 ठीक है यहाँ पे कोई नहीं है, बट वेट गाइस ये एक सस सी जगह है, ये क्या है? अच्छा ये लिफ्ट है, कुछ सस नहीं है यहाँ पे गाइस यार। अरे एक मिनट ये बंद कैसे हो गई? अरे भाई खुल, अरे ये क्या, वेट अरे भाई खुल जा, अरे ये मैं कहाँ गया? वेट वो और अच्छा भाई मैं लिफ्ट से नीचे पार्किंग में आ गया हूँ गाइस, क्या सीन है यार, अब मेरे को वापस ऊपर जाना पड़ेगा। अरे यार वो आर्यन गया तो आर्यन का डॉग ही नहीं छोड़ रहा है मेरे को, बाप रे भागता हूँ। अरे वाह आर्यन यहाँ से गायब है, चलो 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 भाग गया वो डर के, कहाँ जाओ? एक मिनट ये कैसी जगह है, अरे वाह बाथरूम, यहाँ तो मेरे को छुपना है, अरे लेकिन मैं छुपू कहाँ भाई? ऊपर तो मैं आ गया, मैं कहाँ तक खोज लिया था? ऑल राइट मैं यहाँ तक
तक खोज लिया था, ये थी लिफ्ट। उसके बाद अब आगे चलते, वेट ये क्या है भाई? ओके छोटी सी कैफेटेरिया की शॉप, ओ भाई ये काफी क्यूट टाइप की जगह लग रही है। ओके गाइस यहाँ पे डोनट्स भी रखे हुए भाई, ऑल राइट सही है सही है। अंदर तो बंदे छुप सकते, यस 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 गाइस अंदर बंदे छुप सकते हैं, मेरे को अंदर जाके देखना चाहिए, रुक जाओ। अरे भाई क्या दिक्कत है, ऑल राइट गाइस मैं अंदर आ गया हूँ भाई, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि बंदे छुप सके, बट यहाँ से फीलिंग अच्छी आ रही है। वेल वो सब छोड़ो, अपने को अगला बंदा खोजना है भाई इससे पहले कि टाइम निकले। ऑल राइट अब इसके आगे क्या है, वेट ये कैसी जगह है भाई, एक मिनट यहाँ से फ्लश की आवाज आ रही है गाइस, विच इज वेरी वियर्ड, कोई तो है भाई कोई तो है। ऑल राइट गाइस मेरे को दया बनना पड़ेगा, 3 2 1 लेट्स गो। अरे ये तो खुला हुआ है, क्या दया बनने वाला था मैं। ओके ओके वेट ये बाथरूम लिटरली खाली है, तो यहाँ पे फ्लश की आवाज कैसे आई गाइस, ये कैसे हो सकता है भाई यहाँ पे लिटरली फ्लश की आवाज आई है। यहाँ पे ये देखो टिश्यू पेपर भी ऐसे बिखरे पड़े जैसे किसी ने यूज किया है, पर यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, हाउ इज दिस पॉसिबल भाई, ये वियर्ड बात है। चलो कोई ना अभी आगे चलते गाइस, अभी बहुत जगह बची है। वेल ये क्या, ओ भाई वेट 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 गाइस ये क्या है भाई, फोटोग्राफ वाली जगह है क्या, मेरे को भी। ओ भाई आइसक्रीम शॉप गाइस, आज यहाँ पे कोई नहीं है, मैं पहले तो एक आइसक्रीम खाऊंगा भाई, अभी हाइड एंड सीक के बाढ़ में अभी पहले आइसक्रीम खाना पड़ेगा, रुको। अरे बाप रे बाप, मतलब मेरे को देखो गाइस, बड़ा ही ज्यादा कष्ट झेलना पड़ रहा है। यहाँ पे सीधा कमोड है, अगर पैर फिसला तो कमोड पे मुंह के बल गिरूंगा, लेकिन उसे क्या, यहाँ पे मेरा हाथ पसीने से थर थर हो रहा है, पैर कांप रहा है, लेकिन ये आर्यन बस ना हो तभी मैं नीचे कूदूं, वरना मैं यहाँ चिपके रहूंगा। ऑल राइट गाइस अभी अपन आ चुके हैं यहाँ पे, ये कोई अजीब सी जगह है जहाँ पे लिक्वर लिखा है बट अंदर पे कुछ नहीं खाने का सामान मिलता है, तो ये कुछ नहीं फूड स्टोर जैसा है। ओ भाई सुपर मार्केट है गाइस, यहाँ पे तो सब कुछ है भाई अवेलेबल, भाई चिप्स विप्स भी है गाइस, मेरे को ना अगर भूख रहती तो मैं सब खा लेता, पर मेरी भूख ऑलरेडी आइसक्रीम खा के मिट चुकी है। लेट्स सी एक मिनट, फल के पीछे ऑल राइट यहाँ पे कोई नहीं है। वेट गाइस अगर इतने बड़े सुपर मार्केट में कोई नहीं मिला इसका मतलब तो दिक्कत हो जाएगी। ओ भाई यहाँ पे कैंडी वैंडी भी है क्या, ठीक है भाई गाइस लगता है यहाँ पे कोई ना छुपा है भाई, एक बार यहाँ पे चेक कर ले। ओ भाई ये क्या हुआ, ओके व्हाट वेट व्हाट, एक मिनट भाई ये क्या था, लाइक लिटरली ये तो चमत्कार जैसा हो गया भाई, ये खाली फोकट आउट हुआ है गाइस, ये हगी वैसे छुपा अच्छी जगह पे था ठीक है, बट अब बोलते हैं ना अब हाइड एंड सीक प्रोएस्ट ऑफ द प्रोएस्ट, अगर कुछ टकराएगा तो ऐसे ही टूट जाएगा, समझ रहे हो ना। वेल गाइस अभी चलते अंदर, और यहाँ पे है कपड़ों की शॉप ठीक है, इसके कपड़े कौन चुरा लिया भाई, ये मैनिक्विन है, इसके कपड़े ही निकाल लिए बंदे, ठीक है भाई। अब यहाँ पे कौन, एक मिनट गाइस शायद ये ट्रायल रूम है शायद, ठीक है मैं श्योर नहीं हूँ, और अगर ये ट्रायल रूम है तो इसके अंदर कोई ना कोई तो नौजवान छुपा होगा, नौजवान क्या अपने में सब बुद्धू ही है, कोई ना कोई बुद्धू छुपा होगा, लेकिन ओ वेट भाई इसके अंदर और कोई नहीं, स्लेंडर मैन है गाइस, बट ये अंदर घुसा कैसे भाई, यहाँ पे मेरे को घुसने का लाइक लिटरली एक भी घुसने का वो नहीं दिख रहा है। ओए स्लेंडर चाचा, ओए चाचा बाहर निकल। अरे यार बड़ी मुश्किल से फिट आया हूँ, फिट तो आ गया, अब निकलूंगा कैसे, मैं तो खुद नहीं पता है, मैं तो फंस गया हूँ यहाँ पर, अब इसे कैसे समझाओ। गाइस ये सिलेंडर चाचा ना नहीं समझेगा, आधे घंटे हो रहे हैं यहाँ पे ना, अब मैं बॉम्ब फोड़ने वाला हूँ ठीक है गाइस, अगर किसी भी तरह अपन इसको आउट कर देना तो आप सब लोग एक साथ सब्सक्राइब करोगे ठीक है। अभी फिलहाल अपन देखते हैं भाई, चाचा तू निकल जा नहीं तो मैं बॉम्ब लगा रहा हूँ। हो गाइस एक बॉम्ब फिट हो चुका है लिटरली, दूसरा भी मैंने फिट कर दिया है, लास्ट 5 गिनती है, अगर तू निकला तो मैं फोड़ दूंगा, 5 टडे। वो 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 भाई वेट भाई वेट, यहाँ की दीवार फूट गई गाइस, दीवार फूट गई पर ये ना फूटा भाई, इसका मतलब मैं इसे आउट नहीं कर पाऊंगा। और गाइस आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये मॉल हमने आज के लिए रेंट पे लिया है, अब मैं इन्हें ऐसी हालत पे वापस कैसे करूंगा भाई, मेरे को भागना पड़ेगा यहाँ से गाइस। यार स्लेंडर मैन को ढूंढने के लिए ना अपने कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, बट उसके पहले यहाँ पे तो जिम है। वेट व्हाट, स्लेंडर मैन वहाँ घुसा कैसे। ओके गाइस 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 मेरे पास एक क्रेजी आइडिया है, थोड़ा सा ना तोड़फोड़ और करना पड़ेगा अपने को। देखो अपन ना यहाँ की भी दीवार तोड़ देते, क्योंकि अगर यहाँ की दीवार टूट जाती है तो शायद तक अपन को स्लेंडर मैन दिख जाएगा। बेटा छोड़ने तो मैं नहीं वाला हूँ। ऑल राइट गाइस देखते ये टूट रही है या नहीं भाई, पहले इतने दूर आते। ऑल राइट दीवार नहीं टूटी। ओके ओके वेट वेट वेट, ऑलमोस्ट टूट गई है बट पूरी नहीं टूट रही, क्या करें। अरे बाप रे ये तो धमाके पे धमाका कर रहा है, यहाँ से भागने में ही भलाई है, चलो भाग के कहीं चला जाता हूँ ताकि ये मुझे कभी ना ढूंढ सके, ये जगह ठीक लग रही है, यहाँ पर ही छुपूंगा मैं। गाइस मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर उसके ना इतने बड़े बड़े हाथ ना आर पार हो रहे थे, वो आर पार भी नहीं हो रहे यार। और गाइस मैं अभी तक बंदे नहीं ढूंढ पाया हूँ, कितने सालों को ढूंढना है, मेरे को लग नहीं रहा है कि अब मैं ढूंढ पाऊंगा। गाइस मेरे हाइड एंड सीक का टाइटल है मेरे हाथ से गया ना भाई, मैं सच बता रहा हूँ सबको ना मतलब कुछ नहीं कर पाऊंगा वैसे तो मैं टेक्निकली। एक मिनट गाइस क्या छत के ऊपर कोई छुपा होगा, I mean छुप सकता है कोई, बट छत तक जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है गाइस, ये लोग सब यही कहीं छुपे हैं, मैं बस खोज नहीं पा रहा हूँ यार, क्या चल रहा है यार। गाइस अगर अब नहीं खोज पाया तो दिक्कत होगी, मैं ऐसी कौन सी जगह है जो मैं नहीं गया हूँ। ऑलराइट मैं यहाँ भी गया हूँ, यहाँ भी मैं हर जगह गया हूँ, फिर भी मेरे को बंदे नहीं
नहीं मिले। गाइस ये लोग कहाँ चले गए, एक बार नीचे जाके देखता हूँ। गाइस नीचे भी ना कोई हो सकता है। ऑल राइट नीचे भी कोई नहीं। ए बेटे एक मिनट, नीचे पहुंचा कैसे भाई? आउट करने से पहले मेरे को बता दे नीचे कैसे पहुंचा। मैं नहीं बताऊंगा। हाँ निकल फिर, क्या नहीं बताएगा, क्या बंदा है गाइस ये नीचे पहुंचा कैसे? गाइस इसके हिसाब से अगर ये नीचे है तो हो सकता है आसपास दूसरे बंदे मिल जाए। गाइस मेरे को ढूंढना नहीं छोड़ना चाहिए। गाइस यार अभी मेरे को एक और जगह कोई ना कोई तो मिल जाए, अभी बच कौन रहा है? ये सब डॉगीज वगीज बचे और कोई बच? ओके वेट व्हाट बेटे ये ले, आइला मुझे गिरा दिया। बेटा अभी तो देखो ऐसा गिराऊंगा निर्मा, तू आउट हो चुकी है, बस मैं तेरे को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं मार रहा हूँ, ठीक है ना? वो भी सिर्फ चॉप के चलते। गाइस अब अपने को ऑलमोस्ट मिल गया बच। ओ भाई 10 सिरवारा आलोक और नॉर्मल आलोक, वेट व्हाट भाई ये दोनों ही बच कैसे सकते हैं? गाइस यार अब ना दिक्कत हो गई है क्योंकि हमारे पास टाइम कम बचा है और अगर इन दोनों को ही खोजना है मेरे को, ठीक है, तो मेरे को कोई बहुत ही ना गहरी चाल चलनी पड़ेगी। ओ भाई वेट वेट वेट, गाइस मेरे को ऊपर कोई दिखाई दिया, रुको मेरे को फिर से स्टंट मारने दो। ऑलराइट 3 2 1 लेट्स गो। वो देखो भाई, वेट गाइस दिख गया आलोक मेरे को भाई इसको ना। अच्छा गाइस ये कांच ना अंदर से तो बाहर दिखाता है बट बाहर से अंदर नहीं दिखाता है। ओ वेट व्हाट, वो आउट हो गया। ओ भाई यहाँ पे कांच है ही नहीं इसका मतलब। ऑलराइट 10 सिर वाला आलोक एक सिर से भी निपट गया गाइस। भाई यार अब कौन? अच्छा आलोक, गाइस ये आलोक बचा रह गया भाई, कहाँ यार ये आलोक? अरे यार लगता है ये यहाँ से गायब हो गया। अब धीरे से निकलता हूँ, इस बाथरूम की बदबू से मेरा दम घुट गया है। अरे वाह लगता है यहाँ कोई नहीं है, धीरे धीरे देखने दो, चलो यहाँ से भाग। अरे बाप रे बाप, वही पे खड़ा है, क्या करूं गाइस? ओ शिट, डोर की इतनी जोर से आवाज, ये कहाँ गया होगा पता नहीं, एक बार देखता हूँ। अरे बाप रे बेटे, इतने देर से इधर उधर कर रहा था, फाइनली आउट हो गया ये। गाइस मेरे को आज एक्चुअली में लगा कि भाई मेरा हाइड एंड सीक होने का जो टाइटल है ना, प्रो होने का टाइटल, वो एक्चुअली हाथ से जा रहा है, परंतु ऐसा नहीं हुआ भाई। मेरे को एक्चुअली में हाइड एंड सीक में कोई नहीं हरा सकता, ये लोग ना मतलब गाइस अपने आप को हीरो तो समझते हैं लेकिन एट द एंड मैं इन लोगों को खोज ही लेता हूं। हालांकि आलोक को खोजने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ बट स्टिल यार, बाकी आज के वीडियो में तो इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो और अपन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। बाय।